सिवान के धुरौंदा थाना क्षेत्र के कंगाली छपरा में डीलर को अपराधियों ने गोली मार दी है। बता दें, डीपीएस दुकान से केरोसिन तेल लेकर आ रहे थे एक 65 वर्षीय वृद्ध को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। वहीं ग्रामीण द्वारा सूचना मिलने पर स्थानीय थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं वृद्ध घायल की पहचान कंगाली छपरा निवासी देवशरण सिंह के रूप में हुई है, जिनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। तो आपको बता दें कि किरोसिन तेल लेकर आ रहे एक वृद्ध की गोली मार दिया गया है, जिनसे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल व्यवस्था में स्थानीय लोग और प्रशासन के सहयोग से सिवान के सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जो बड़ी घटना है वो धुरौंदा थाना क्षेत्र के कंगाली छपरा में से आ रही है, जहाँ पर डीलर को अपराधियों ने गोली मारी है। घायल व्यक्ति की पहचान देवशरण सिंह के रूप में हुई है, जो कंगाली छपरा के ही रहने वाले हैं। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible. And build the Indian dream. Because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian terrain